ये दोनों लोग पूरी तरह जुट चुके हैं। भटूरे उठाए, अंडे अंडा मसाला खाए हैं, तो शंकर भटूरा उठाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो देखते हैं जो साहस लगा। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सामने प्लेट में अंडा मसाला और भटूरा रखा हुआ, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, अंडा मसाला और भटूरा खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अंडा मसाले के साथ में लगा हुआ है भटूरे। तो आज हमारा अंडा मसाला भटूरे ईटिंग चैलेंज है, और इस चैलेंज में 7 भटूरे और 7 अंडा मसाला लगा हुआ है। और इस चैलेंज को उड़ाने के लिए शंकर जी और फूलचंद जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजर में फर्स्ट कौन आता है, कौन 1100 की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ अंडा मसाला और भटूरे का आनंद लेकर के जाता है। कि आप लोग देख रहे हैं, इस चैलेंज में दो योद्धा बैठ चुके हैं, एक तरफ है फूलचंद और दूसरी तरफ है शंकर। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1100 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। और चैलेंज चालू होने से पहले फूलचंद चटकारा लेना चालू कर दिए हैं अंडा मसाला और भटूरा का। तो देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए भैया। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही दोनों लोग पूरी तरह जुट चुके हैं। भटूरे उठाए, अंडे अंडा मसाला खाए हैं, तो शंकर भटूरा उठाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो देखते हैं जो साहस लगाए, जो और शंकर पूरी तरह से हमारे दर्शकों को ललचवा के खा रहे हैं। भैया आराम से खाइए, ललचवाइए मत, बहुत गजब। और किसको किसके मुंह में पानी आ रहा है भटूरे और अंडा मसाला दे करके, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और लेकिन सभी दर्शक हमारे कहेंगे तो किसी के पानी नहीं आ रहा है, लेकिन पवन जी के मुंह से पानी आ रहा है। तो भैया कोई भी स्वादिष्ट आइटम अगर सामने रखी हो तो मुंह में पानी आ ही जाता है। क्योंकि हमारे दर्शक कई कमेंट कर चुके हैं कि भैया पवन के मुंह से पानी आ रहा है। तो चलिए ठीक है, सभी दर्शक भगवान के रूप में है, सभी जो भी कहे सब सही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। तो देखते हैं 7 अंडा मसाला और 7 भटूरे कौन सबसे पहले उड़ाता है, और क्या जो फूलचंद जी स्पीड लगाए हैं उस स्पीड को आज शंकर जी पकड़ पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ना मुंडे भैया माता बोलते हैं तो भैया ये कॉमेडी का टाइम नहीं है, ये चैलेंज का टाइम। अगर कॉमेडी करेंगे तो समझ चलिए 100% 1100 रुपए आपके हाथों से निकल जाएगा। अगर 1100 रुपए लेना है तो शंकर को हराना होगा, और शंकर को लेना है तो फूलचंद को हराना होगा। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1100 रुपए का नगद पुरस्कार लेकर कौन जाता है। जिस तरह फूलचंद पूरी तरह से अपने आप को कॉमेडी में ढालना चाह रहे हैं, तो समझ के चलिए ऐसा लग रहा है कि 1100 रुपए से दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत और साहस वही लगाए हैं, भले ही हम खुद कॉमेडी कर रहे हो। और सोच रहे हैं साथ में बैठे हैं शंकर जी, और उनसे थोड़ा सा स्पाइसी चलता नहीं है, तो स्पाइसी थोड़ा सा है, तो इसलिए ग्रेवी को बहुत थोड़ी थोड़ी शंकर जी खा रहे हैं। और भटूरे के साथ फूलचंद जी सोच रहे हैं आज कॉमेडी करके ही चैलेंज हो जाए, तो बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी करके आज जीत भी हासिल कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से कॉमेडी के साथ स्पीड लगाया है, और डबल एक्सल पावर वाला स्पीड लगाया है। वहीं पर शंकर तीखा से जो परहेज करते हैं, सोच रहे हैं कि यार कहीं तीखा ना लग जाए, इसलिए बहुत छोटा छोटा बाइट बनाकर थोड़ा थोड़ा ग्रेवी में डुबो कर खा रहे हैं भटूरे को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और दोनों ही चैलेंजर जो फॉर्म लगाए हैं, देखते हैं एंड टाइम में शंकर जी जो स्पीड लगाते हैं उस स्पीड से फूलचंद जी बच पाते हैं, या फिर कॉमेडी ही करते रह जाते हैं। बहुत गजब, 2 मिनट 30 सेकंड होने वाला है, 2 मिनट 30 सेकंड होने वाला है, और 2 मिनट 30 सेकंड में लगभग लगभग अभी केवल एक भटूरा दोनों लोगों का समाप्त हुआ है। एक नहीं, 3 भटूरा समाप्त हुआ है भैया, 7-7 रखा गया है यहाँ पर। तो चलिए कम से कम शंकर इस बात पे तो ऊपर लखे। नहीं तो आज यही मतलब देखने के लिए शंकर को ऐसे कहा गया है। और यहाँ पर अभी अंडा जो है लगभग काफी हद तक का बरकरार है। फूलचंद के थाली से अंडा गायब हुआ है, लेकिन शंकर के थाली में काफी हद तक अंडा इस समय खेल रहा है। अभी 7 के 7 अंडे पड़े हुए हैं। हाँ बहुत गजब, सोच रहे शंकर जी सोच रहे हैं पहले भटूरे और अंडा मसाला का आनंद ले लेते हैं, फिर अंडे बाद में खाएंगे। बहुत गजब। और इस समय बहुत ही मस्ती से इस समय फूलचंद इस चैलेंज को एक अंजाम दे रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ये मस्ती करते रहेंगे और शंकर का दिल इधर खींचते रहेंगे, इनका मन अपनी तरफ खींचते रहेंगे। लेकिन तो ये जब जो पावर है, शंकर जी पावर में आते हैं तो कितनी भी मस्ती कर लो, कोई भी कुछ भी कर लो, पावर देखते ही फूलचंद पूरी तरह से मस्ती हटा देंगे अपने शरीर से, क्योंकि सोच जाएंगे अरे यार इस मस्ती हमको बहुत महंगी पड़ जाएगी और सस्ती नहीं होगी। तो देखना है कि क्या शंकर अपने आप को वह गति दे पाते हैं, क्या शंकर जीत जाते हैं, क्या शंकर 1100 रुपए लेकर जाते हैं। पूरी तरह सस्पेंस बना हुआ है, आप लोग देखते रहिए हमारे इस चैलेंज को, अमेजिंग इलाहाबादी इस चैनल को दूर दूर तक भेजिए, और
नए दर्शकों में जरूर भेजिएगा, क्योंकि आप लोग मजा लेते लेते बहुत पुराने हो गए, थोड़ा नए लोगों को भी मजा दिलवाइए। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते हैं उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद है आप लोगों का, और जितना हो सके सभी नए पुराने सभी दर्शकों का धन्यवाद रहता है, क्योंकि नए होंगे तो पुराने होंगे, पुराने होंगे तो नए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और यहाँ पर फूलचंद पूरी तरह से अपने आप को एक जो गति दिए हैं बहुत तेजी से, ऐसा लग रहा है कि ये क्या बात है, इनके अंदर कोई दैवी शक्ति ऐसा लग रहा है कि प्रवेश कर गई है, क्योंकि बहुत ही हिलडुल वाला चैलेंज ये कर रहे हैं, हिलडुलना चैलेंज कर रहे हैं इस समय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और देखते हैं जो कॉमेडी का फैन है कितने समय में फूलचंद जी इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। और शंकर जी आज लग रहा है कि अंडे नहीं खाएंगे, सिर्फ भटूरे और मसाला खाएंगे, इस वजह से स्पीड नहीं लगा। और यहाँ पर देखते ही देखते फूलचंद के थाली में मात्र एक भटूरा बचा है, वो भी पूरी तरह से हाथ में आ चुका है, और तीन अंडा एक भटूरा लेकर फूलचंद बैठे हुए हैं, तो देखना है कि फूलचंद क्या कमाल करते हैं। और शंकर पूरी तरह से, और शंकर जी ना बोल चुके हैं, और देखते हैं फूलचंद जी कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। शंकर ना बोले हैं, क्या कारण है अभी आप लोगों के सामने जरूर बताएंगे, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है कि जो फूलचंद कॉमेडी कर रहे हैं उस कॉमेडी से शंकर डर गए हैं। वही तो कहते कहते नहीं है, जो कॉमेडी कर रहे हैं उस कॉमेडी से इनका पेट भर गया, वास्तव में कॉमेडी अच्छे अच्छे लोगों का पेट भर देती है। कहते हैं कि उसने होठों को छुआ तो एहसास अब तक है, आंखें नम हुई तो सांसों में आग अब तक है, वक्त गुजर गया पर उसकी याद नहीं गई, क्या बताऊं ए दोस्त हरी मिर्ची का स्वाद अब तक है। वाह, मतलब ये जो मिर्ची वाला स्वाद बताए हैं तो शंकर इसका मतलब डर रहे हैं तो मिर्ची से ही डर रहे हैं, इसलिए आगे नहीं भाग पाए हैं। और यहाँ पर देखते ही देखते फूलचंद पूरी तरह से मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, और 1100 रुपए इनके हाथ में जाने वाला है, और शंकर इस मिर्ची से 1100 रुपए छोड़ चुके हैं। हाँ, तो फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं, आराम से एंजॉय करके खाते रहिए, डांस करते रहिए, तो फूलचंद जी को इनाम की राशि कैश देते हैं, और हमको लग रहा है 100% फूलचंद जी विन कर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते ही देखते फूलचंद पूरी तरह से अंडों में जुट चुके हैं, और याल्ला रवाना अंडे को एकदम पूरी तरह से एकदम कट्टम कट्टाई करके खा रहे हैं, और वहीं पर शंकर पूरी तरह से ऑलवेज वेलकम यू, मतलब थोड़ा सा आज भाषा परिवर्तन हुआ है, तो फूलचंद जी लगता है सुबह जो है उठते ही कुछ ऐसी चीज खा ली है जिससे इनका मतलब लैंग्वेज पर परिवर्तन हो गया है। तो मतलब बात यह है कि फूलचंद जो है ऐसे कई जगह गए हैं जहां से एक नई सीख लेकर आए हैं, और वहां की भाषाओं को सीख कर आए हैं। लास्ट जो है अंडा मसाला कितने समय में कंप्लीट करते हैं, और समय जो है 7 मिनट का बिल्कुल पूरा हो चुका है, कर चुका है, और 7 मिनट कुछ सेकंड में फूलचंद जी इस चैनल को कंप्लीट कर लिए हैं। फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और नाम की राशि इनको कैश देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शंकर अभी तक अंडा और भटूरा पूरी तरह से खा रहे हैं, और अंडे से जो गोली है उस गोली को निकाल निकाल कर खा, मतलब कुछ फायर नहीं करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं गोली पहले अंदर कर ले उसके बाद फायरिंग करेंगे। यहाँ पर फूलचंद पूरी तरह से मेहनत की, और बोले क्या अंदर स्वामी, ओहो मतलब फूलचंद पूरी तरह से मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंच गए जहां से इन्हें 1100 रुपए स्वामी। हाँ फूलचंद स्वामी कहाँ के गामी? आइया मैं मद्रास से जाता जी है। मद्रास? या जी। वहाँ क्या करता जी? आइया उधर बराबर नारियल का तेल लाता जी है। नारियल का तेल लाके क्या करता जी? या कोकोनट फैक्ट्री में डालता। उसको कोकोनट फैक्ट्री में डाल के क्या बनाता जी? आइयो तुम अपना सर मने लगाता जी है। आइयो चलिए ठीक है, उस मैटर को हटाइए और फूलचंद को इनाम की राशि दीजिए। तो फूलचंद जी आज थोड़ा सा कॉमेडी फॉर्म में है, तो फूलचंद जी इस कॉमेडी फॉर्म में इसलिए है कि आज शंकर जी का जो है हराए हैं, हराए इसलिए शंकर थोड़ा फूले फूले फिर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दाव पाके हरा दिए। हाँ तो फूलचंद जी आए, हौसला दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैसे देते हैं। और फूलचंद जी के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि इनकी कॉमेडी आप लोगों को कैसे लगी। हाँ तो फूलचंद जी एक चीज बताना, आप आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि ये जो अंडा करी आप खाए हैं, हाँ जी, अंडा मसाला और भटूरा, हाँ, इतना जल्दी कैसे खा लिए शंकर से पहले? आइयो हमको बड़ा अच्छा प्यार लगे जी, ये तो मारा स्वाद बना जी, मन झटका मारता चला गया जी।
ओहो मार के खाए हैं। हाँ जी। और बहुत तेजी से झटका मारे हैं और एक एक अंडा ऐसा खाए हैं कि कई टुकड़ों में बांट कर खाए हैं, इतना झटका मारे हैं। वहीं पर शंकर से पूछते हैं कि शंकर जी क्या कारण रहा कि आज जो है आप बहुत पीछे हो गए। कारण तो कोई नहीं था, कारण नहीं था, हम खा रहे थे भाई, जानते हो कौन भाई सारी क्या बोले हैं। कौन भाई सारी क्या बोले हैं? अच्छा अच्छा, जब मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं भाई, मिर्ची तो लगी है। तो मिला के मिर्ची से डर गए। और यहाँ पर शंकर जाते हैं जब तीखा सारी इनको याद नहीं आई है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अगर मिर्ची लग ही गई है तो हम खा यही मिर्ची आपके लगी है तो 1100 रुपए आपके पास से चला गया है पड़ोस में। और मिर्ची लगी है फूलचंद जी को तो थोड़ा सा कहाँ पहुँच गए जी, मद्रास पहुंच गए हैं, यूपी से मद्रास पहुंच गए हैं। तो फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और ये लोग आए हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वड़कम जी।